हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई युवराज दोस्तों, और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सभी एग्जाम में कैसे सफलता पा सकते हैं दोस्तों। ऐसे 10 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर हम इन सभी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें एग्जाम में जरूर जरूर सफलता मिलेगी हमको, हम सभी को। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूँ और 10 ऐसे बिंदु लिखा हूँ कि अगर हम इन सभी का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो दोस्तों पहला है, हमें अपने आप को श्योर करना चाहिए कि हमें किसकी तैयारी करनी है। इसका मतलब है कि दोस्तों अगर हम दो एग्जाम की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, है ना, और तो दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कि दो एग्जाम है, उन दोनों एग्जामों का जो सिलेबस है वो अलग अलग है, तो हमें एक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, हमें एक एग्जाम को सिलेक्ट करना चाहिए, एक एग्जाम को श्योर करना चाहिए कि हमें किसकी तैयारी करनी है। और अगर दो एग्जाम है और उनका जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है तो आप दोनों एग्जाम की जो तैयारी वो एक साथ कर सकते हैं। अगर दोनों एग्जाम की जो सिलेबस वो अलग है तो हम उन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ है हमें अपने आप को पहले सबसे पहले हमें श्योर करना चाहिए, हमें सिलेक्ट करना है कि हमें किसकी तैयारी करनी है, फिर आगे की सोचना है। दूसरा पॉइंट है सही मार्गदर्शन। दोस्तों हमें सही मार्गदर्शन में तैयारी करनी चाहिए, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की तैयारी हमें सही मार्गदर्शन में करनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि किसी को हम अपने जीवन का अनुभव हो, किसी ने एग्जाम क्रैक की हो, किसी ने अगर अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया हो, है ना, कई कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने सफलता पाई हो, तो उनके मार्गदर्शन में दोस्तों हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो सही मार्गदर्शन और सही मार्गदर्शन में हमें दोस्तों तैयारी करनी चाहिए जिसको अपने जीवन का अनुभव हो। तीसरा पॉइंट, एग्जाम क्रैक करने का जुनून। दोस्तों हमारे अंदर एग्जाम क्रैक करने का जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे अंदर जुनून नहीं है, है ना। तो हमारे अंदर दोस्तों एग्जाम क्रैक करने का, एग्जाम पास करने का, एग्जाम में सफलता पाने का जुनून होना चाहिए। अगर हमारे अंदर जुनून नहीं है दोस्तों, है ना, हमारे अंदर जुनून नहीं है तो हम एग्जाम में सफलता नहीं पा सकते, एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए तो हम एग्जाम में जरूर सफलता पाएंगे दोस्तों। तो एग्जाम क्रैक करने का हमारे अंदर जुनून होना चाहिए दोस्तों, उबाल होना चाहिए। चौथा, पिछले वर्षों के पेपर अच्छे से देखे दोस्तों, कि जो जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, उस एग्जाम के जो पिछले वर्षों के जो पेपर है ना, जिस भी एग्जाम की आप तैयार कर रहे हैं और उस एग्जाम के जो पिछले वर्षों के जो पेपर है दोस्तों, उनका भी रिवाइज करते रहे, उनको देखें। इससे यह पता चल जाता है हमको कि जो हम एग्जाम तैयार कर रहे हैं उसके जो पिछले वर्षों पेपर देखने से होता पता चल जाता है दोस्तों कि आगे कैसे आएगा पेपर, उसका पैटर्न पता चल जाता है हमें, जिस हिसाब से हम उसके तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके जो पिछले वर्षों के जो पेपर है दोस्तों उनको देखते रहे, है ना। तो क्लियर। अगला पांचवा है सही पुस्तकों का चयन। इसका अर्थ क्या है कि दोस्तों हम तैयारी तो करते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, हमारे अंदर एग्जाम क्रैक करने का जुनून भी है और हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा फोकस एक एग्जाम पर है, परंतु हम सही पुस्तकों का चयन नहीं कर पाते हैं दोस्तों और एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में असफल हो जाते हैं,
हम दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लगन से, हमारे अंदर जुनून है, परंतु हम सही पुस्तक का चयन नहीं करते हैं और हम पेपर में असफल हो जाते हैं, एग्जाम में असफल हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सही पुस्तकों का चयन करना होगा, फिर उस पुस्तक को पढ़ना होगा दोस्तों, है ना। तो क्या करना होगा, हमें सही पुस्तकों का चयन करना आना चाहिए। तो इसी से अगर हम सही पुस्तकों का चयन करेंगे तो हम जीवन में सफल अवश्य होंगे दोस्तों। अब है छठवा है सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से संपर्क में रहे। दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से संपर्क में रहे कि नकारात्मक लोगों से, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो आपसे ताने मारते हैं कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आप जीवन पास नहीं हो सकते, मतलब आप जीवन में असफल होंगे और आप जीवन में सफल कभी नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे लोग ताने मारते हैं हमको। तो जो आपको ताने मारते हैं अलग अलग बातों से, तो उनसे दूर रहे। और जो सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं, उनसे संपर्क में रहे। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, उनसे आप संपर्क में, उनके साथ रहे, है ना दोस्तों। तो आप एक दिन जीवन में अवश्य सफल होंगे दोस्तों। सातवां पॉइंट है अनुशासित दिनचर्या दोस्तों, कि दोस्तों हमारे अनुशासित दिनचर्या रहनी चाहिए। जो हमारी दिनचर्या मतलब जो पढ़ाई की जो दिनचर्या है दोस्तों, वो अनुशासित रहनी चाहिए। जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल है दोस्तों, वो अच्छा बेस्ट होना चाहिए, तो उससे हमें जीवन में सफलता मिलेगी, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अगर हमारा जो टाइम टेबल है वो अच्छा होगा, बेस्ट टाइम टेबल होगा, तो हम जीवन में सफल अवश्य होंगे। आठवां है दोस्तों पढ़ाई में रिवीजन को बनाए रखे। क्या करें, किसी भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और हम टॉपिक बाय पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और जो पिछला है वह भूलते जा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो इसके लिए हमें जो पिछला है उसका भी रिवाइज करते रहना चाहिए, जो पिछला है उसको भी दोस्तों रिवाइज करते रहना चाहिए, जिससे हम जो पिछला है वह नहीं भूलेंगे। अगर हम दोस्तों रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो हम जो पिछला है वो भूल जाएंगे, हमें याद नहीं रहेगा, है ना दोस्तों। तो जो पिछला जो पढ़ रहे हैं और उसका जो पिछला है दोस्तों, उसका भी रिवाइज करते रहे बार बार में। नौवा पॉइंट है मन से पढ़ना ना कि दुखी होकर दोस्तों, हमें मन से पढ़ना चाहिए दोस्तों, ना कि दुखी होकर। अगर हम मन से पढ़ेंगे तो दोस्तों हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अगर हम दुखी होकर पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, हमें एग्जाम में हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दोस्तों मन से पढ़ना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा, आप दुखी है, तो आप नहीं पढ़े एक दिन, और आपका मन लग रहा है दोस्तों तो पढ़े। अगला 10वां पॉइंट और लास्ट, सफलता का रास्ता मेहनत से ही निकलता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों जो सफलता का मार्ग है वह दोस्तों मेहनत से ही निकलता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जरूर सफलता पाएंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों तो हम असफल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें मेहनत करनी चाहिए जिससे हमें सफलता मिल सके। तो आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जो सफलता का रास्ता है दोस्तों, वह मेहनत से ही निकलता है दोस्तों। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट, जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी, हम एग्जाम में जरूर सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को श्योर करना चाहिए कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी है। दो एग्जामों से एक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा सही मार्गदर्शन दोस्तों, जो जिनको जीवन का अनुभव हो उनके मार्गदर्शन में ही एग्जाम की तैयारी करें। तीसरा एग्जाम क्रैक करने का हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, एग्जाम में सफलता पाने का हमारे अंदर दोस्तों जुनून होना चाहिए, उबाल होना चाहिए दोस्तों, है ना।
चौथा, पिछले वर्षों जो पेपर है वो चेक देखे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके जो पिछले वर्षों के जो पेपर है उन्हें अवश्य देखे। पांचवा, सही पुस्तकों का चयन। दोस्तों हम मेहनत तो करते हैं परंतु हम सही पुस्तकों का चयन नहीं कर पाते हैं, जिसे हम पेपर में मतलब जो एग्जाम है उसमें असफल हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले सही पुस्तकों का चयन करना आना चाहिए। छठवा, सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से संपर्क में रहे, जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे संपर्क में रहे, उनके साथ रहे। सातवा, अनुशासित दिनचर्या, जो आपको टाइम टेबल है, जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल वह बेस्ट होना चाहिए। आठवा, पढ़ाई में रिवीजन को बनाए रखे। दोस्तों जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो उसका रिवीजन करते रहे दोस्तों, तो हम भूलेंगे नहीं, है ना। नौवां, मन से पढ़ना ना कि दुखी होकर। दोस्तों हमें मन से पढ़ना चाहिए दोस्तों, ना कि दुखी होकर। दसवां, सफलता का रास्ता मेहनत से ही निकलता है। एक बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, जो सफलता का मार्ग है वह मेहनत से ही निकलता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर हम इन सभी बातों का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें एग्जाम में दोस्तों जरूर सफलता मिलेगी, हमारे जीवन में एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी अगर हम इन सभी का बातों का अगर हम फॉलो करते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।